साथियों नमस्कार, ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, वेलफेयर इंस्पेक्टर का पार्ट वन एंड टू अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो एट फर्स्ट पार्ट वन एंड टू देखें। यह वही वेलफेयर इंस्पेक्टर की मैं बात कर रही हूँ जो रेलवे डिपार्टमेंटल के तहत लिया जाने वाला एग्जाम होता है। और आप बहुत आसानी से, अगर आप लेवल वन में भी नौकरी करते हैं और इच्छा रखते हैं कि हमारा जो प्रमोशन हो बहुत आसान हो, और अगर आप 4200 ग्रेड पे में भी इन करना चाहते हैं, तो यह एग्ज़ाम एंड यह सीरीज यह सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। तो साथियों, पार्ट वन एंड टू के बाद पार्ट थ्री लेकर के आई हूँ, और हमारी कोशिश होगी कि कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए यह यूजफुल हो। यही उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करूंगी। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 35 एंड क्वेश्चन इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्टेंस और रिटेंशन ऑफ गिफ्ट्स और प्रेजेंटेशंस रूल 2012 सब रूल 3F ऑफ रूल 13 इन एनी अदर केस ग्रुप सी सर्वेंट शैल नॉट एक्सेप्ट एनी गिफ्ट विदाउट द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इफ द वैल्यू एक्सीड। ऑप्शन नंबर ए है 1000, बी है 2000, सी है 3000 एंड डी है 5000। देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी 2000। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 36 एंड क्वेश्चन इज बेस ईयर ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स लेबर इंडेक्स इंक्लूडिंग क्लाउज 46A ऑफ सी ऑफ जी सी सी डील्स विद द प्राइस वेरिएशन क्लॉज इन कॉन्ट्रैक्ट वॉज रिसेंटली चेंज्ड टू डेस। ऑप्शन नंबर ए है 2021, बी है 2018, सी है 2016 एंड डी है 2020। देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी 2016। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 37 एंड क्वेश्चन इज Dearness announced payable to Indian Railway employees was enhanced from the existing rate of 17% to days of the basic pay with effect from 1st July 2021. Option number A hai 28, B hai 25, C hai 32 and D hai 22. Then answer will be option number A 28. Let us come to the question number 38 and question is 39. Question is minimum family pension age 7th CPC is death. Option number A hai 3500, option number B hai 9000, option number C hai 4500 and option number D hai 1000. Then answer will be option number B 9000 इज द करेक्ट आंसर। साथियों, यह जो आंसर दिया गया है, यह ऑफिशियली आंसर है। और लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 40 एंड क्वेश्चन इज UMID स्टैंड्स फॉर डेस। ऑप्शन नंबर ए है यूनिक मेडिकल इंफॉर्मेशन कार्ड, बी है यूनिवर्सल मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड, सी है यूनिफाइड मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड एंड डी है यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड। देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड। साथियों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। और जो UMID कार्ड, जितने भी रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं या फिर उनसे जुड़े हुए व्यक्ति हैं, लाइक उनका फैमिली है, वाइफ है, डॉटर, सन लाइक, तो इन सभी को UMID कार्ड प्रोवाइड की जाती है बाई द इंडियन रेलवेज। और UMID कार्ड बनाने का उद्देश्य भी एक ही था कि इससे गड़बड़ियाँ को रोके, क्योंकि जो रेलवे हॉस्पिटल होती है इसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो जाती थी। कई बार लोग इसका मिसयूज़ करके और ट्रीटमेंट करवाते थे। इससे बचने के लिए एक यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड का निर्माण किया गया है, जिसको आज हम सभी UMID कार्ड के नाम से जानते हैं। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 41 एंड क्वेश्चन इज फॉर हाउ मेनी डेज मैक्सिमम TA इज पेएबल।
ऑप्शन नंबर ए है 30 डेज, बी है 120 डेज, सी है 180 डेज एंड डी है 90 डेज। देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी 180 डेज, लाइक यू कैन से ऑल्सो 6 मंथ्स और 180 डेज। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 42 एंड क्वेश्चन इज वैलिडिटी ऑफ ईयर एंडिंग पासेस इन एनी ईयर शुड बी अप टू। ऑप्शन नंबर ए है 31 दिसंबर ऑफ दैट ईयर, ऑप्शन नंबर बी है 31 मई ऑफ नेक्स्ट ईयर, ऑप्शन नंबर सी है 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर एंड ऑप्शन नंबर डी है 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी 31 मई ऑफ नेक्स्ट ईयर।